इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी भोपाल से है, जहां पूर्व मंत्री और भितरवार के तीन बार के कांग्रेस विधायक लाखन सिंह यादव सीएम हाउस पहुंचे हैं। लाखन सिंह यादव ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की है। सीएम शिवराज और लाखन सिंह यादव के बीच करीब 20 मिनट तक चर्चा चली है। वहीं खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव से फोन पर सीएम शिवराज से मुलाकात को लेकर सवाल किया तो उन्होंने सभी अटकलों और सवालों पर विराम लगा दिया। बता दें कि मध्य प्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। आगामी चुनाव से पहले नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का सिलसिला लगातार जारी है। शनिवार को दीपक जोशी और पूर्व विधायक राधेलाल बघेल ने कांग्रेस का हाथ थाम कर बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। इसी बीच शनिवार देर शाम को पूर्व मंत्री और भितरवार कांग्रेस विधायक लाखन सिंह यादव अचानक भोपाल सीएम हाउस पहुंच गए। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और विधायक लाखन सिंह यादव के बीच करीब 20 मिनट तक चर्चा चली। सीएम शिवराज और कांग्रेस विधायक लाखन सिंह यादव के बीच हुई मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मचने के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि विधायक लाखन सिंह यादव कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं, लेकिन जब खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने विधायक लाखन सिंह यादव से फोन पर चर्चा की तो उन्होंने सारी अटकलों और अफवाहों पर विराम लगा दिया और कहा कि लाखन सिंह यादव जिएगा तो कांग्रेस के लिए और मरेगा तो कांग्रेस के लिए। आगे और क्या कहा आप सुनिए। वो हमारे समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी पत्नी। हेलो जी सर, शिवराज सिंह जी की पत्नी हमारे समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। और दूसरा, हमारे समाज का एक युवक युवती परिचय सम्मेलन हो रहा है जी, उसको लेके हम मैडम से चर्चा करने गए थे। बाकी इस जीवन में बीजेपी में जाने का प्रश्न ही नहीं उठता लाखन सिंह का। उस समय करोड़ों रुपए के ऑफर आए थे, तब लाखन सिंह नहीं गया था जी। ये कांग्रेस में ही मरेंगे, कांग्रेस में ही रहेंगे, जीवन नितांत कांग्रेस की सेवा करेंगे। तो सुना आपने, जिस तरह की अटकलें और अफवाहें पूर्व मंत्री एवं विधायक लाखन सिंह यादव को लेकर थी, उस पर विराम लगा दिया गया है।